इसके पहले वाले वीडियो में आपके पास 7.3 तक थ्योरम हो चुके थे, आज अपने पास 7.4 थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम पूरे हुए बाद में अपन फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट लेसन के डाउट तभी पूछना है, अभी बीच में नहीं। थ्योरम 7.4 अभी स्टार्ट करेंगे। 7.4 थ्योरम है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। आपको स्टेटमेंट में क्या दिया बेटा, इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल यानी एक ट्राइंगल की थ्री साइड आर इक्वल टू द देयर साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। आपके पास एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से कैसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट है, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करो के बताना है। मैडम आपको टेक्स्ट बुक में हमको दिए हुआ है, फिर भी इसको कैसा क्या आपको दिए हुआ है, क्या एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड को कैसे है बोलते हैं इक्वल है, जब इक्वल है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट से ही आपको प्रूफ करके बताना है। यहाँ पे आपको कौन सी टेस्ट से करना है SSS यानी आपको ये कॉन्ग्रुएंट हुए बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसे टेस्ट से वो कैसे है कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आप अप्लाई कर सकते। थ्योरम में दिया इफ द थ्री साइड ऑफ अ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल देन देयर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, ये आपको स्टेटमेंट होगी। अभी गिवन में क्या दिया आपको, दो ट्राइंगल्स दिए हुए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ये देखो आपको ये दो ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी और डी ई एफ। ए बी को कौन इक्वल है बेटा डी ई, बी सी को इक्वल है ई एफ और ए सी को इक्वल है डी एफ। ये तीनों यानी ये दो ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में कैसी है इक्वल है, ये आपको गिवन में दिए हुआ है। देखो ये गिवन गिवन में आपको ये दिए हुआ है। फिर टू प्रूव, आपको टू प्रूव में क्या बोला हुआ है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे बताना है बोलते हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। स्टेटमेंट गिवन और टू प्रूव, ये आपको समझ गया बेटा, ये है बेटा आपके पास गिवन और ये हो गया टू प्रूव। अब यहाँ पे आपके देखो कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं बेटा, आपको ये तीनों साइड को इक्वल तो दिए हुए है, फिर भी आपको बोल रहे हैं कि अब प्रूफ करके बताना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर ऐसे समय पे आपको जब नहीं कुछ रहता तब आपको उसको कंस्ट्रक्ट करके आगे जाने का रास्ता रहता बेटा, यानी आगे सॉल्व करने के लिए आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अभी कंस्ट्रक्ट में अपन ने क्या करें, सपोज बी सी इज लॉन्गेस्ट साइड, देखो ये बी सी कैसी है बोलते हैं बड़ी साइड है, ड्रॉ सच दैट एफ ई जी इज इक्वल टू ए बी सी। देखो एफ ई जी यानी ये वाला एंगल और उसके बाद में ए बी सी, ये दोनों एंगल कैसे बोलते हैं ऐसा अपने को कंस्ट्रक्ट करना है कि आपके पास ये जितना एंगल है इतना ही यहाँ का एंगल ऐसा बने, ऐसा ही आपको इधर की साइड है ना कंस्ट्रक्ट करने की है। हो गया एंड ई जी इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी की साइड जितनी होंगी इतनी ही ई जी की भी साइड आने को होना, यानी ये साइड को ये साइड इक्वल दिए भी, ये एंगल को एंगल इक्वल अपन ने कंस्ट्रक्ट करे, ए बी को ई जी ये साइड इक्वल है ये भी कंस्ट्रक्ट करें, एंड जॉइन एफ जी, एफ जी को जॉइन कर देना। समझ में आया बेटा कंस्ट्रक्शन। फिर आपके पास ये एक ट्राइंगल और ये नीचे का एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल अपन ने लिए, देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ, ये दो ट्राइंगल लिए। अब ये दो ट्राइंगल में यहाँ पे जो लिखा है बेटा, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम पर से समझा रही, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी ई बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अपन ने कंस्ट्रक्शन में करे, देखो ए बी और जी ई बाय कंस्ट्रक्शन। फिर आपके पास क्या है ए बी सी ये वाला एंगल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ए से चालू हुआ ना, तो जी ई एफ ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, ये आ गया ए बी सी और एफ ई जी। मैडम आपने तो जी ई एफ बोले ए के साथ में, तो आपने जी लिए, तो यहाँ पे भी आप जी ई एफ ऐसा लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप लिख लीजिए जी ई, देखो मैं इरेज करके लिख रही हूँ जी ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन। फिर आपके पास यहाँ बी सी और ई एफ, ये तो आपको गिवन में दिए वही है, ये देखो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन में आपको दिए हुआ है, तो क्या आ जाएगा साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पर से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट। और ये साइड एंगल साइड ये टेस्ट कभी ऐसे प्रूफ करने के लिए नहीं रहती बेटा ऐसे, क्योंकि वो एक्सियोम है और एक्सियोम को यूज़ करते हुए आपको हर एक थ्योरम प्रूफ करना है।
तो अपन ने ये साइड एंगल साइड एक्सियोम को यूज़ करते हुए अपन ने ये दो ट्रायंगल को कैसा बताया है, कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो ट्रायंगल बेटा, एक ये और एक ये नीचे का, ये दो ट्रायंगल कैसे हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट। आपके पास ट्रायंगल में छः एलिमेंट रहते, छः में से 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बताया बेटा, यहाँ पे आपने इक्वल बताए। फिर बचे हुए जो 3 एलिमेंट्स है वो भी कैसे रहेंगे, सी पी सी टी से इक्वल रहते हैं। बचे हुए जो 3 एलिमेंट्स है वो भी कैसे रहते हैं, इक्वल। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी अपन इक्वल बोल सकते हैं, सी को एफ इक्वल बोल सकते हैं, ये साइड को ये साइड अपन इक्वल बोल सकते हैं। यानी सी पी सी टी से आप क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू जी, साइड ए सी इज इक्वल टू जी एफ, क्या आ जाएगा सी पी सी टी से। और सी और एफ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका काम नहीं, इसके लिए अपन ने नहीं लिखे। यानी आपने बचे हुए जो एलिमेंट है कैसा बताया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से आपने वो दोनों पार्ट जो अपने को यूज़ है वो पार्ट को अपन ने इक्वल बताए। फिर आपके पास यहाँ पे अपने को गिवन में ए बी इज इक्वल टू डी ई, गिवन में दिए हुआ है बेटा ए बी इज इक्वल टू डी ई, और यहाँ पे अपन ने क्या करें, ए बी इज इक्वल टू जी ई कंस्ट्रक्शन में करें। तो अपने पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल हो गई, एंड डी ई और जी ई ये दोनों इक्वल हो गए। फिर आपके पास ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये आपको गिवन में दिए हुआ है, और अपन ने अभी यहाँ पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या करे, जी एफ करे, और यहाँ पे आपको ए सी इज इक्वल टू डी एफ दिए हुआ है, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल हो गई। एंड आपके पास डी ई को जी ई और डी एफ को जी एफ, ये भी आपको समझ में आ गया कैसा इक्वल है। तो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल में अपन ने जी ई जी डी ये वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा, ये देखो ई डी जी, ये इधर का ट्रायंगल लिया। अब इधर के ट्रायंगल में आपके पास ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ का और यहाँ का ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। देखो यहाँ पे लिखा है ये दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल कैसे हो गए, डी और जी इक्वल हो गए। फिर अपन ने इधर के साइड का ट्रायंगल लिया, अब इधर के साइड में भी ये और ये इक्वल बताए, ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ के दोनों एंगल कैसे हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से इक्वल है। देखो लिखा है यहाँ पे दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फिर यहाँ का अपन ऐड कर दिए ई डी जी प्लस एफ डी जी, ये पूरा अगर ऐड करें तो आपको क्या मिला, ई डी एफ, ये पूरा एंगल मिल गया। सेम वैसे यहाँ पे ई जी डी, ये इधर का एंगल और यहाँ से आएगा एफ जी डी, तो ये पूरा एंगल मिल गया ई जी डी। देखो वही चीज़ यहाँ पे अपन ने लिखे बेटा ऐड करके, तो क्या आ गया अपने पास, डी और जी ये दोनों इक्वल हो गए, हो गए। और अपन ने ऊपर में यहाँ पे प्रूफ करे थे ए को कौन इक्वल है, जी। यानी आपके पास यहाँ पे डी इज इक्वल टू जी है और ए इज इक्वल टू जी है, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल हो गई इक्वल। यहाँ पे यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा, तो वापस एक बार यहाँ का पूरा बता रही हूँ बेटा। क्या बता रही, पहले अपन ने दो ट्रायंगल अपन ने सिमिलर करे, कौन थे दो ट्रायंगल सिमिलर करे, एक ये और ये ट्रायंगल सिमिलर करे, अपन ने कंस्ट्रक्ट करे कुछ पार्ट, फिर ये दोनों ट्रायंगल अपन ने सिमिलर करे। कंस्ट्रक्ट में अपन ने ए सी को जी ई ये इक्वल बताया, यहाँ का बी और यहाँ का ई एंगल भी इक्वल बताया, और बी सी और एफ ई ये भी अपन ने दिए हुआ है आपको। तो साइड एंगल साइड पर से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताया, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बचे हुए एलिमेंट अपन ने सी पी सी टी से क्या करें, इक्वल बताया। साइड ए सी को जी एफ इक्वल बताया, उसके बाद में आपने ए को जी इक्वल बताया। आपके पास यहाँ पे ये दोनों, ये देखो यहाँ सी पी सी टी से आ गया, और आपको गिवन में क्या दिए हुआ है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिए हुआ है, डी ई दिए हुआ है, और अपन ने कंस्ट्रक्शन में करे ए बी इज इक्वल टू जी ई, तो यहाँ पे ए बी ई बी दोनों साइड इक्वल, तो ये भी दोनों इक्वल हो गया। सेम सिमिलर वैसे ही अपन ने ए सी को अपने को गिवन में क्या दिए हुआ है, डी एफ दिए हुआ है, और अपन ने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताया, इसलिए ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एफ, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ और जी एफ भी दोनों इक्वल हो गए। अगर आपके पास ये दो चीज़ इक्वल है, तो अपन ने इधर का ट्रायंगल लिया, ये दो साइड इक्वल, तो यहाँ के दोनों एंगल इक्वल है, दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल। फिर सेम इधर का ट्रायंगल लिए, इधर के ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल कैसे हो गए आपके पास,
इक्वल हो गए। फिर ये वन और टू इन दोनों के एडिशन करें, एडिशन करे बाद में यहाँ पे दोनों के एडिशन करें तो एंगल डी मिला, यहाँ पे क्या मिला जी, और ए इज इक्वल टू जी अपन ने ऊपर में प्रूफ करे हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास इसके दोनों राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। यानी आपके पास देखो ए को डी इक्वल हो गया, ए बी को अपने पास डी ई ये गिवन दिए हुआ है, और ए सी को ई एफ ये दिए हुआ है। तो अपने पास साइड एंगल साइड पर से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। यानी अपन ने लिखे दो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ। ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन में दिए हुआ है आपको, उसके बाद में ए इज इक्वल टू डी अपन ने प्रूव करे अबव में यानी ऊपर में, ए सी इज इक्वल टू डी एफ ये भी आपको गिवन दिए हुआ है। तो आपके पास साइड एंगल साइड पर से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे हो गया हैंस प्रूव। ये हो गया बेटा आपके पास थ्योरम प्रूव। इसके आगे का जो थ्योरम है आपके पास आर एच एस, ये अपन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये हो गया आज का बेटा। मैडम यहाँ पे तो लेक्चर नंबर 13 लिखा है, तो ये लेक्चर नंबर 13 में ही आपको समझा के दिए हुआ है, वही मैं वापस आपको रिपीट करा रही हूँ, जिसको अपन रिवीजन बोला हुआ है। इसके आगे का थ्योरम अपन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।